अब तो मुझे बस इंतजार रहेगा उस दिन का, किस दिन मैं नया आपको अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। हमारी तरफ से आप इस रिश्ते से इनकार ही समझो। रजा को बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यार, पता नहीं दादी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। ये तो अम्मी ने मुझे रोक लिया वरना उनके घर की ईंट से ईंट बिछा देता मैं। कुछ पाने के लिए कभी कभी मसलहतन चुप रहना पड़ता है। तो थप्पड़ का निशाने किसने मारा है तुम्हें? एक मैसेज करो उसे और उस मैसेज में लिखो कि अगर उसने कल सुबह तक तुमसे बात ना की तो तुम अपनी जान ले लोगे। लेकिन अगले महीने तो शादी है। इतने बेजार क्यों हो रहे हो? जब रिश्ता हुआ था तो शादी भी तो होनी थी ना। अम्मी, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने जल्दी की कि तुम्हारे इरादे का कुछ पता नहीं चलता कि कब बदल जाए। अम्मी, आप मेरी बात को बेटा, क्या हुआ है? एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना, तो फिर तुम्हें मसला क्या है बताओ? मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे, मैं कहती हूँ आपसे कि जल्द से जल्द इसकी शादी करें ताकि आयजा के साथ रहेगा तो कुछ संभल जाएगा। ये रजा के रूम का फर्नीचर, बेडसेट, कालीन, पर्दे, बड़ी सी एलईडी और ड्राइंग रूम के लिए क्या होगा? पागल तो नहीं हो गए तुम? यानी ये लिस्ट भेजोगी तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? तो क्या बेटी को खाली हाथ भेजेंगे वो? तुम सोच भी नहीं सकती वो चीजें वो भेजेंगे, दिमाग पागल हो जाएगा। समझ आई तुम्हारी? जो मेरा दिल चाह रहा वो तो लिखने दे मुझे, चुप करे। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। शान प्लीज अंदर जाओ, मुझे इरिटेट मत करो। थाना प्लीज। अच्छा चलिए अंदर चलिए। क्या पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुकून से यहां पर बैठा हुआ था लेकिन तुम्हें तकलीफ हो रही है शायद। ज़ैन, क्या हुआ? ये क्यों इतने गुस्से में गया? मैं मजाक कर रही थी उनसे तो तनी। जरूर तुमने कोई फजूल हरकत की होगी। हमारे यहाँ इस तरह की फजूल हरकतें ना मैं बर्दाश्त करती हूँ ना ज़ैन करता है। थोड़ी तो बुर्दबारी पैदा करो अपने अंदर इशाल। चलो जाओ, सॉरी कहो उसे जाके। जी। सलमा, तहरूर भाई, तुम लोगों ने मुझे कोई इतला नहीं दी। अच्छा बताओ, सब खैरियत है ना? डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दी? डॉक्टर ने कहा है कि इस कंडीशन में इसे ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते। अरे अजीब है डॉक्टर, मेरी बहू का रंग पीला पड़ गया, इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए और वो कहते कि दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। अजीब है वो। तैमूर, क्या है ये? डॉक्टर कह रहा था कि जो जियाउद्दीन साहब है ना, वो दादा बनने वाले। डॉक्टर भी अभिया बेटी, खुशखबरी सुनाने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जब आप लोग कमरे में आराम करो। सलमा, सुना तुमने, मैं दादा बन गया। जी जी, और मैं भी दादी बनने वाली हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं अपने दोस्त अजहर को अभी ये खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या करते हैं जिया, वक्त देख रहे हैं? इतनी रात हो गई है, सो रहे होंगे। उन्हें सुबह बता देंगे। अरे सुबह बता देंगे? बता देंगे से क्या मुराद है? अरे सुबह उन सबको यहाँ बुला लेंगे और हम अपनी खुशी सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बुला लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे। अब बच्चे जाएं, आराम करें।
तैमूर तुमने समझ लिया था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? जी बिल्कुल। बेटा बेटा मेरी बहू का अब बहुत ख्याल रखना है तुमने। वो तो मैं वैसे भी रखता हूँ। अरे वो तो तुम रखते हो ना, अब जरा डबल और ट्रिपल ख्याल रखना है। जैसे आपका हुक्म। चले बेगम साहब। हाँ जाओ जाओ, आराम करो बेटा, आराम करो। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। सुना तुमने, मैं दादा बन के दादा। आप भी आराम कर ले, काफी देर हो गई है। चले लो भाई बच्चो, मिठाई खाओ। और तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, तुम लोग खाला बनने वाली। ओह आंटी, आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा बताएं तो अबीहा कहाँ है, उसे तो बुलाएं। अबीहा जेबा के साथ दिल की बातें कर रही है, कर लेने दो, आ जाएगी। खाना पड़ेगा। हाँ भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगाई हो अपनी अम्मी को मेरी शिकायत, क्या समझा बुझा के भेजा उन्होंने तुम्हें वापस? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कल रात जो हुआ तुमने तुमने शिकायत नहीं लगाई उन्हें? नहीं, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। तो फिर वो तुम्हें लेने के लिए क्यों आए थे? अबीहा के घर जाना था, अबीहा प्रेग्नेंट है। आपको पता है घर पे सारे लोग इतने खुश हैं, बल्कि हम लोगों ने तो लड़के के लड़की के नाम ही सोचना शुरू कर दिए हैं। That's great news. ये तो बहुत अच्छी खबर है, अबीहा तो बहुत खुश होगी है ना? I know, घर में बहुत खुश थे सब। This is great news. Zain? Zain? अमेरिकन कंपनी की ईमेल आ गई है, आपको फौरन जवाब देना है उन्हें। सॉरी मॉम, मैं वो लैपटॉप गाड़ी में ही भूला हूँ। तुम घर गई थी ना ईशान, वापस भी आ गई? जी आंटी, वो अबीहा के घर गए थे ना, तो वापसी में ड्रॉप कर दिया सबने। क्यों, खैरियत थी? अबीहा के यहाँ गुड न्यूज है। ओह दैट्स नाइस। एक बात याद रखना, मैं अभी जैन को बच्चों के मामलात में उलझाना नहीं चाहती, समझी तुम? मिल गया जी। अच्छा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? मामला कुछ कराया क्या? वो कह रही थी कि आपको बच्चों के मामलात में ना फंसाऊं। हाँ तो ठीक ही तो कहा है। ये क्या पहना हुआ है, किस किस्म के कपड़े हैं ये? जाओ कपड़े बदलो जाके। लेकिन मॉम मॉम कह रही हैं, तो जाओ तुम चेंज कर लो चेंज। अभी तो आप कह रहे थे कि अच्छी लग रही हो। रियली ज़ैन, तुम्हें अच्छी लग रही है ये? मॉम वो मैं तो बहस मत किया करो और झूठ मत बोलो।
जाओ जाकर चेंज करो, मॉम कह रही है चेंज करो तो चेंज करो। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।